तुमने देखा उसने कैसी हरकत की है? मैंने क्या, सबने देखा है क्या हुआ वहां। पता नहीं उसे क्या सूझी, क्यों किया उसने ऐसे। अरे वो समझ ही नहीं सकता, दुर्योधन का वकार, उसकी सोच। और तुमने उसे क्यों बुलाया था जबकि तुम जानती थी उन दोनों पे क्या गुजरेगी? मुझे क्या पता था वो ऐसा कर देगा। और तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा, मुझे फिक्र हो रही है। फिक्र होती है मुझे उसकी, दुख होता है मुझे उसके दुख देख के। क्या कर, मेरे बस में ही नहीं है। काश मैं दुर्योधन को बता सकता कि मैं उसे कितना सोचता हूं। काश मेरे बस में होता तो एक पल में उसके सारे गम उससे दूर कर देता। काश। I'm sorry. खफा ना हो तुम क्या समझोगे? दे आई खाना मास्टर साहब। दे आई बहुत भले लोग हैं, अपनों से बढ़कर हमारी हर खुशी और गम में उन्होंने साथ दिया है। हाँ ये तो है। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मंगनी ठीक ठाक तरीके से हो गई है ना। और आप ही कितनी प्यारी लग रही थी और कितनी खुश भी। मेरे अल्लाह का बहुत एहसान है। बस अब तुम दोनों बहनें अपने घर की हो जाओ तो मैं चैन से मर सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं, सब कुछ ठीक से हो तो गया है, आगे भी सब अच्छा हो जाएगा, फिक्र करने की क्या जरूरत है। अच्छा अतन की कोई खैर खबर? वैसे फिलहाल ने सरे महफिल जो हरकत की है ना, तौबा तौबा, अगर नवाब साहब को इसकी भनक मिल गई ना तो बिलाल और मुंशी साहब की खैर नहीं। अम्मी आप क्यों सारे जहान की फिक्रें अपने सर ले लेती हैं? पता है मुझे क्या लगता है, कभी कभार यहाँ की माओ को ना आदत है सारी फिक्रें अपने सर पे ले लेने की और फिर सर पीटने की। कुछ भी नहीं होगा और मैं पूछ लूंगी अदन, अभी तो वो बेचारी खुद ही इतनी परेशान होगी ना। चले मैं जरा जाती हूँ मदिया के पास। हाँ ठीक है। लीजिए बाजी गर्मा गर्म चाय पिए। जीते रहो खुश रहो। वैसे आदिल मियां कब तक अपने बूढ़े बाप को इन कुंवारे हाथों की चाय पिलाते रहोगे? कभी इस बारे में भी सोचा है तुमने? भाई मैं तो कहता हूँ अब तुम संजीदगी से शादी के मुतालिक सोचो। अभी कहाँ बाजी, अभी तो बहुत कुछ करना है, इस लायक बनना है कि। भाई तो तुम्हें कौन मना कर रहा है, साथ साथ करते रहो तुम जो तुम्हारा दिल चाहे। नहीं बाजी ये बहुत जल्दी है। देख लो बेटा कहीं ये जल्दी जल्दी का करके देर मत कर बैठना। क्या मतलब? भाई देखो मैं तुम्हारा बाप ही नहीं दोस्त भी हूँ, और दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती और अब मैं कम से कम इस फैसले में तो टांग नहीं अड़ाऊंगा। देखो भाई ये तो सारी जिंदगी का मामला है, इसका फैसला तुम्हें खुद करना है। आप खुल के बात करें, क्या कहना चाहते हर है यार, मैं तो तुमको बड़ा समझदार आदमी समझता था। अरे बुद्धू मैं सुमैया की बात कर रहा हूँ, कितनी प्यारी बच्ची है। ये शादी की बात में समैया कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? अरे भाई हैरत है कि तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो तो हमेशा से ही है। रहने दे बाजी, मैंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तो कोई बात नहीं बेटा अब सोच लो। देखो बेटा शादी तो तुम्हें करनी है ना, आज नहीं तो कल, और घर गृहस्थी तो औरत के दम से ही बनती है। और फिर अपनी सुमैया, भाई मेरी मानो तो तुम्हें इससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। मिलेगी अब्बा जी, जरूर मिलेगी। मैं इतनी मेहनत करूंगा और अपने आप को उस लायक बनाऊंगा कि। किसके लायक बेटा? किसी के नहीं। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं अब्बा जी मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, और वैसे भी बताने के लायक भी कुछ नहीं है, बहुत वक्त पड़ा इन बातों के लिए। आप चाय पिए, मैं आपके लिए बिस्किट लेके आता हूँ।